अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और हरियत से अपने अपने घरों में महफूज होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज हम दोबारा से अपने इंक्यूबेटर में एग्स लगाने जा रहे हैं। ये अब हम किसी और का ऑर्डर सेट करने लगे हैं आज अपने इंक्यूबेटर में, और हमारे टोटल एग्स होंगे इसमें इंशाल्लाह 79। हम एग्स लगाने लगे हैं हैचिंग के लिए, ठीक है। और हमारा ऑर्डर जो है वो 76 का है, तो लेकिन हमने 8 एग्स यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाए हैं। तो अल्लाह ताला का नाम लेके और इस दुआ के साथ के हमारे तमाम एग्स जो हैं वो बाहर ये तो अभी जब वो हैच होंगे इंशाल्लाह। तो हमने अपना ये स्टार्ट किया अभी इंक्यूबेटर, तो मैं ज़रा ये दिखाई यहाँ से। जिस वक्त हमने इसको स्टार्ट किया था तो इसकी जो थी ह्यूमिडिटी यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा है, ये टेम्परेचर चल रहा है हमारे अंदर का इंक्यूबेटर का 33.7। हमने यहाँ पे अंदर टेम्परेचर जो मेंटेन करना है वो 30 होगा, 30 हमारा टेम्परेचर रहेगा नॉर्मल, 38। हाँ जी, तो ये 38 अभी 33 चल रहा है ना, 33.8, ये भी हमारा अभी मज़ीद इंक्रीज होगा। और यहाँ पे हमारी ह्यूमिडिटी चल रही है 79, और ये हमारी एग्जैक्ट होती है 70, ठीक है। ये भी अभी हमने, क्योंकि उसने वो साथ क्लीन करने के बाद हमने साथ ही बंद कर दिया था ना इंक्यूबेटर, तो इसकी वजह से भी ह्यूमिडिटी अंदर जो है वो थी, तो इस वजह से भी अभी हमने ऑन किया। इंशाल्लाह अभी इसकी अंदर हीट और टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मेंटेन हो रहा है, अब हम एग्स रखना स्टार्ट करते हैं। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको बताऊं कि ये अंडे पे हमने ना इसका वज़न लिखा हुआ है, ठीक है, 52 ग्राम का ये एग है। तो इस तरह हम लाइन लगाते हैं ब्लैक कलर के मार्कर से। इसका ये पर्पज़ होता है कि जब हमारे एग्स जो हैं वो जब मूव करते हैं स्ट्रे के ऊपर, तो हमें पता चले कि आया ये प्रॉपर मूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमने इनको किस डायरेक्शन में मूव करना है। ये हमने इंक्यूबेटर में 79 एग्स अल्हम्दुलिल्लाह लगाए हैं, ठीक है, इस दुआ के साथ के तमाम जो है वो हैच होंगे इंशाल्लाह। तो आप सबने भी दुआ करनी है कि हमारे एग्स जो हैं ये हमारी एस्ट्रोलॉग के जो एग्स जो हैं ये मुकम्मल तौर पे जो है ये हैचों और हेल्दी चिक्स में से निकलें। ये हमारा आज एक नया ऑर्डर आया है, तो ये हमने इसकी तैयारी के ऊपर लगाया। तो जी अभी आप इस पर देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी हमारी अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने पानी की ट्रे बिल्कुल जो है वो खाली रखी है। तो अब हम साथ साथ वॉच करते रहेंगे टेम्परेचर, डिजिटल भी, मीटर पर भी, और बाहर वाली इंस्ट्रूमेंट पे भी, और हमारा ये जो मैनुअल जो है हमारा थर्मामीटर वहाँ पर भी। तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को पर जो है हमने अपनी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। तो आपसे दुआ है कि आप सब दुआ कीजिएगा कि हमारे एग्स जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहें, और ये जो इस ट्रे पर तो हमारे एग्स जो हैं ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली होते रहेंगे रोटेट, लेकिन हमने इस सब साइड पर रखे हैं इनको हमें बाय हैंड करना पड़ेगा। तो क्योंकि जब हम चेक करने के लिए खोलते हैं साथ ही हम इनको भी कर देंगे, 70 डेज तक हम इनको हिलाएंगे, ठीक है, 2 टाइम्स, दो दिन में 2 दफ़ा हमने इनको हिलाने हैं। ये ट्रे वाले तो खुद बहुत ही होते रहेंगे मूव, लेकिन इनको हमें बाय हैंड करना पड़ेगा। तो 70 डेज के बाद ही हमने इनको हिलाना छोड़ देना, ठीक है, 70 डेज तक 2 दफ़ा दिन में हिलाने होते हैं अंडे। और आज के डेट है मिस, आज 29 अगस्त है ना, तो इसके हिसाब से हमारे 21 डेज पूरे होंगे 18-19 को, है ना। तो इंशाल्लाह जी व्यूअर्स, हमारे ये एग्स जो हैं वो बफ़ज़ले खुदा 18 या 19 सितंबर को इंशाल्लाह अपने हैचिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो इंशाल्लाह अभी फिलहाल हमें टेप नहीं मिल रही, अगर टेप होती तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पर लिखती अपनी डेट भी, जो ही मेरे टेप पता नहीं कहाँ पर बच्चों से अपनी प्लेस कर दिया कहीं, तो टेप के ऊपर हमने यहाँ लिखना है 29 अगस्त, ठीक है, इनकी जो है इंसर्टिंग डेट, और इंशाल्लाह जो है ये इनकी हैचिंग डेट जो होगी वो होगी 19-18 सितंबर इंशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स, आपसे दुआ की गुजारिश करते हैं आप सब से, और हमें भी दुआ में याद रखिएगा, और हमारे इन एग्स के लिए और हमारे जो इनमें से चिक्स निकलेंगे उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है, और एक हफ्ते बाद भी उसको कैंडलिंग करके भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, कैंडलिंग करके दिखाएंगे कि इनमें से कितने एग्स में जो है वो चिक्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए हैं। अच्छा मिस, जब हम एक वीक के बाद जब हम करते हैं कैंडलिंग, समटाइम्स ऐसा होता है कि उसमें जो होता है वो बेबी डेवलप नहीं हो रहा होता, चिक नहीं बन रहा था, फिर और हम उन एग्स को क्या करते हैं आप बता दें ज़रा व्यूअर्स को। उन एग्स को जो है ना बीच में भी रहने देते, कोई मसला नहीं होता, वो टूटते नहीं हैं वो, ठीक है, पर यह है कि
अंदर से स्पेस को थोड़ा बढ़ाने के लिए उनको बाहर निकाल लेना चाहिए। कैंडलिंग करने का यही मकसद होता है कि आपको पता चल जाए कि किस में प्रॉपर बचा बन रहा है, किस में नहीं बन रहा। मूवमेंट आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, साथ साथ हम अपडेट देते रहेंगे इसकी। जी, इस वाले हैचिंग प्रोसेस में हम आपको जो है ना तकरीबन वीक वीक 1.5 वीक के बाद हम आपको इनके अपडेट बताएंगे, ठीक है। और क्योंकि इससे पहले हमने आपको इतना डीप प्रोसेस नहीं दिखाया, लेकिन इस दफ़ा हमने डिसाइड किया कि हम अपने व्यूअर्स को अपने साथ ही रखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे जो ट्रे में पानी नहीं लगाया क्योंकि हमारी ऑलरेडी ह्यूमिडिटी इतना बहुत भी हाई जा रही है। देखते हैं अब इस दफ़ा क्या होता है, हो सकता है इस दफ़ा भी कोई ऐसा केस निकल आए, क्योंकि अंदर के अंडे के ये तो अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। बिल्कुल तो चलें जी, दुआ के लिए जो है ना आपसे गुजारिश है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।